जैसे पूछा मैं अभी कि आप लोगों को जो टाइम बोल के दिया उससे ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिला, जो नॉलेज था उससे एक्स्ट्रा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप लोगों के हिसाब से क्या है? सर सर मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा जी, है, सर मिल बहुत रहा है, मिल अच्छा, रहा है, टाइम मिल रहा है भी ज्यादा मिल रहा सर, है, बहुत टाइम अच्छा दस लग दिन रहा है, बोल के ज्यादा बहुत टाइम बहुत दिया है। बहुत बहुत सर, बहुत सही क्लास चला है सर आपने। चलो उससे ठीक पहले है, सर मैंने ले ले चुका है किसी और इंस्टीट्यूट से, पर सर कोई मतलब का नहीं रहा, वो अच्छा सिर्फ पैसा ही बर्बाद हुआ वहां पे। पैसे बर्बाद हुए। अच्छा जी सर, लेकिन सर अभी उन लोगों ने यूएफएस का क्लास ही नहीं लिया, बीच में ही क्लास बंद कर दिया और जवाब ही देना बंद कर दिया। अच्छा मतलब क्लास बोलकर बुलाए, ये ऑफिस भी सिखाएंगे कुछ लेकिन कुछ बताया नहीं उसके बारे में। अच्छा नहीं बताया, ईएमसी कराया बट ईएमसी भी उतना कुछ खास नहीं कराया, और यूएफएस तो लिया ही नहीं क्लास, आज भी कॉल करते तो रिसीव नहीं करते वो लोग। देखो कॉल सपोर्ट ये सब चीज जो है ना, ये इन्हीं से पहले बोला जाता है, आप लोग को बुलाने से पहले बहुत इंस्टीट्यूट वाले हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ और लेकिन सर सर हाँ दिल्ली का जबकि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बोलते हैं उसको हाँ वो तो अब नाम नहीं मत लो किसी का यहाँ पर, इसलिए लेकिन नहीं ले रहा हूं मैं हाँ नाम लेकिन मालूम है हाँ बोलने वाले इंडिया का नंबर वन या फिर वर्ल्ड का नंबर वन या एशिया का नंबर वन जी या फलाने का नंबर वन बोलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन करके दिखाने वाले जो होते हैं ना वो आफ्टर कोर्स के बाद कुछ नहीं रहता आप लोगों के लिए। जी सर ये आपको अच्छे से सही है एक्सपीरियंस होगा, और हमारा एक्सपीरियंस अभी तक आपको कैसे लगा कि क्लास ज्वाइन होने से लेकर अभी तक आपका काम कॉल और सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है सभी को? बहुत अच्छा, बहुत मिल रहा अच्छा है सर, सर, बहुत अच्छा सबसे मेन चीज तो सर वीडियो, जो वीडियो हमको मिल मिल रही रहा है सर। देखो वो आज सबसे तक पहले तो किसी वीडियो, ये भी एक बात इंस्टीट्यूट सही है कि आप लोगों को क्लास का वीडियो तक मिलता है। हम देखो बहुत सारे लोग क्या बोलते मतलब हैं, भाई हमारा डाटा आप लोग लीक करेंगे, हमारा डाटा कॉपी करके आप ट्रेनिंग देंगे, हमारा सब मतलब खुद ट्रेनर बन जाएंगे सीखकर, भाई हमें उससे कोई लेना हाँ देना नहीं है। आप अपने लाइफ में जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हमें उससे लेना देना नहीं है, आप हमारे पास जी सीखने सर आए और आप हमारे स्टूडेंट ही रहेंगे, और आप चाहे फ्यूचर में जाकर ट्रेनर क्यों ना बने, कोई इंस्टीट्यूट जी वाला बन जाए, सर आप मेरा मतलब क्यों मोटिव है, यही है सर, मेरा लेकिन मेरे मोटिव स्टूडेंट तो यही है रहेंगे कि रहेंगे आप लोग, ठीक है। जी बहुत सारे, सर मैं ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे ट्रेनर आज आके सीख चुके जो इंडिया में अभी ट्रेनिंग जी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने आके नहीं ट्रेनिंग लिया, मुझसे ट्रेनिंग लिए, लेकिन मैं उनको एक ही बात बोला कि अगर मुझसे ट्रेनिंग लेना है तो आप लोगों को मतलब सामने वीडियो कॉल, ये जो स्क्रीन है काम सामने कैमरा है, कैमरा ओपन करना होगा, देखना पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा स्टूडेंट को दूसरे को कि कौन मेरे पास जुड़ा हुआ हाँ है, हाँ ठीक है। जी सर हाँ तो वो बोला सर मुझे इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं ट्रेनर हूं लेकिन आपसे अगर सीख रहा हूं कुछ नॉलेज मिल रहा है तो सर आपकी बात मैं क्यों टालू, आप जैसा बोलोगे सर वैसे ही करूं। बात है सर, सही तो बात है ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रेनर हो, आप कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो या आपकी दुकान में कोई ट्रेनिंग देते हो, आप बिल्कुल दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। बस सर इतना है कि हमारी रिस्पेक्ट किया करो, हमसे सपोर्ट ले लो, हमें सपोर्ट में कभी कोई किसी को दिक्कत नहीं है, हम हमेशा आपके लिए खड़े, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसे भी लोग देखा है सीखने के बाद जब ट्रेनर बन जाते हैं तो पता नहीं अंदर क्या गुरूर आ जाता है, हाँ ठीक है, हाँ सर होता है सर गुरूर आ जाता है, फिर हमें बोलते हैं कि आपसे कुछ भी नहीं सीखा, ऐसा हो गया, हाँ मतलब सीखकर ही काम कर रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आपसे कुछ नहीं सीखा, ये हो जाता है। सही बात है होते होता एक दो है सर, कई रहते लोग जो कर रहे हैं, मार्केट हाँ में होता कॉम्पिटिटर है होता है बनना चाहते, हमें ऑपोजिशन में आ जाते हैं, हाँ वो होते हैं, ठीक सौ है, रहता सौ में एक आध दूसरा रहता ही है, लेकिन जितने है जन मेरे साथ जुड़कर काम कर रहे वैसे ना वो सब आज एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और आज भी मुझसे बात कर रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक साल का सपोर्ट का हम लोग बात कर रहे हैं तो एक साल के अंदर ही बात हो रही है, उसके बाद ग्रुप डिलीट नहीं होता। मैं आपको 2 साल का भी अभी भी ग्रुप में व्हाट्सएप देखो तो मैं व्हाट्सएप खोल के दिखाता हूँ, ये मेरा सामने दिख रहा है व्हाट्सएप ग्रुप, यस यहाँ पर मैं आपको सर 2 साल पुराना वाले भी ग्रुप दिखाता हूँ जिसमें अभी भी हम लोग चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से सपोर्ट लेते हैं, मतलब स्टूडेंट को देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो इस सारे स्टूडेंट के ग्रुप हैं, तो हम सपोर्ट के मामले में सिर्फ एक साल बोलते हैं, देखो ये 17 दिसंबर 2021 का है, दिख रहा है आज भी, देखो ये यस देखो कंटिन्यू सर मेरी इसमें चैटिंग वगैरह सपोर्ट वगैरह देना रहता है। ये अगस्त देखो एक साल हो चुका है इसको, जी पिछले साल का 2022 का सर 11 अगस्त का, आज भी देखो इसके अंदर काम हो रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, समझे। जी सर सही है तो सर
कभी किसी के अंदर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि सर आप लोग देखो ये 2022 का 27 मार्च आज भी सपोर्ट मिल रहा है काम करने में। तो हम लोग का मोटिवेट ये होता है कि आप लोग काम करेंगे हम सपोर्ट हमेशा देंगे। हम एक साल इसलिए बोलते क्योंकि कुछ लोग क्या करते काम करते नहीं है जाकर बस बैठ जाते हैं कुछ करते नहीं है फिर एक साल के बाद होश आते हैं कि सर से सपोर्ट लेंगे। तो हम लोग बोलते हैं एक साल का ही सपोर्ट है आप लोग के लिए। एक साल के बाद अगर हमारी याद आ रही है हम एक्टिव नहीं है ग्रुप में ये चीज है। उल्टा हमें तकलीफ होती है आप हमसे सपोर्ट नहीं लेते ऐसा हो गया। ऐसे कोई इंस्टीट्यूट वाला होगा जो भाई जिसको सपोर्ट सामने वाला अगर नहीं दे रहा तो उसको खुद को तकलीफ हो यार। जो स्टूडेंट है उसको तकलीफ होती है सामने वाला सपोर्ट नहीं देता। नहीं। और उल्टा मेरा यहाँ पर है कि आप लोग मुझसे सपोर्ट नहीं लेते मुझे तकलीफ होती है कि यार आप लोग यार काम ही नहीं करते मार्केट में। सर हमारे लिए बहुत अच्छा है और ग्रुप में हम लोग चैटिंग करता हूँ सारा दिन रात। वही तो हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ जैसे कि सभी के बारे में आप लोग सभी तो खुश है ना मेरे से क्लास के लिए क्लास आप बोलो आप अपने बारे में थोड़ा सा बोलो मेरे मुझे मतलब एक पर्सनली पूछ रहा हूँ मैं सभी को एक एक करके थोड़ा सा आप बता देना फिर क्लास शुरू करता हूँ। आमिर आपके एक्सपीरियंस में बताओ क्लास का कैसा रहा आपका सफर अभी तक कैसा मतलब क्लास बेस्ट क्लास सर। और मैंने इससे पहले भी एक क्लास ज्वाइन किया था ठीक है जिन्होंने सिर्फ मेरे को ये अपना ईएमएमसी का सिर्फ ईओएफआई बॉक्स का ही सिखाया था मेरे को बॉक्स सीखना था। हाँ तो उन्होंने वो बाद में कॉल करने के बाद कॉल रिसीव करते हैं लेकिन परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता ऐसा है मतलब अभी वो लेकिन आपके पास ट्रेनिंग ग्रेड में ही है वो खुद को उतना नॉलेज नहीं है जल्दी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है ना नहीं मिल पाता। आपसे जो सीखा हाँ सर आपसे जो सीखा है ना वो डीपली सीखा है। जेटेक के बारे में बता रहे हैं नहीं बता रहे जेटेक बॉक्स के बारे में हाँ जेटेक बारे उसी के बारे में तो मैं आया था ना सर इधर हम तो जेटेक के बारे में लेने के बाद नहीं चलाना जानते यार एमएमसी को ऑडिट करा हमने और बहुत सारे जो आप यानी डिफिकल्टी जो बहुत सारे थे यानी छोटे छोटे जो पार्ट थे वो आपने बहुत अच्छा सिखाया सर। लोग समझते डीपली सिखाया है 7,000 में क्या मिलता है आप लोग भी सोचे होंगे ऐसा भी मेरे को मुझे पता है जब कोई क्लास करने से पहले सोचता भी है कि 7,000 में क्या मिल जाएगा। अब आप लोग बताओ 7,000 में क्या मिल रहा है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। अच्छा पुष्पेंद्र आप बताना क्या है। मैं बोल रहा हूँ कि सर पहले जब ईएमएमसी के बारे में सोचता था कि ईएमएमसी में कैसे क्या करना है कैसे थोड़ा बहुत यूट्यूब देखा था मैंने कभी पहले ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ फर्स्ट टाइम आपके पास ही तो पहले कोशिश भी किया हूँ 2-4 लेकिन छोटा छोटा जो बात है उसके अंदर ये करने से कौन सा सेट में हम कर सकते हैं कौन सा सेट मेरा सक्सेस हो जाएगा ये सब नॉलेज तो नहीं था। अच्छा अभी क्या है कि छोटा छोटा बात भी मुझे पता है कि इसमें मुझे काम करना है ये करेंगे तो सक्सेस मुझे होना ही है सही बात और ये सब बात आपसे एकदम क्लियरली पता चल गया है तो बेकार में टाइम वेस्ट भी नहीं होगा ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि टाइम वेस्ट तो नहीं होगा और परफेक्ट काम में मतलब सीख रहा हूँ। अच्छा तो जैसे कि मैंने जो बेसिक से एडवांस तक ऐसा तो नहीं है कि बीच में कुछ भी क्लास बता दिया क्या एकदम शुरू से बताया सभी आपने सभी बारीक से बारीक पार्ट भी सिखाया है उसमें। तो ये मतलब जैसे कि प्रेशर भी अगर होगा तो क्या ये सीख नहीं पाएगा मेरे साथ मेरे से क्लास बेशक सीखेगा जी जी प्रेशर भी होगा हम तो कभी सप्ताह में काम ही नहीं करा प्रेशर। आप तो अपूर्व आप तो प्रेशर हो लेकिन आप तो और भी ग्रुप में ज्यादा डिस्कस करते हैं उसके बारे में मतलब काम नहीं आता फिर भी उसके बारे में बात करना बहुत अच्छी बात होती है। जी लोग काम नहीं जानते तो काम के बारे में बात ही नहीं करते यार क्या बात करेंगे मालूम ही नहीं उसके बारे में ऐसा सोचते लेकिन अगर आप बात करने की कोशिश करो उसके ऊपर सोचने की कोशिश करो तो वो सीख जाएंगे आप हर चीज है ना। ईशान है आप यहाँ पर क्लास में ईशान आप ज्वाइन है। हाँ ईशान बताइए आप थोड़ा सा बोलो जरा आप तो जरा थोड़ा सा इसमें सीनियर भी है साथ में काम करने वाले ग्रुप में
क्लास चल रहा है। आप मतलब आप पहले से काम करते थे और पहले से काम करते थे? मैं यूएफएस और जीटेक के लिए आया था और मुझे मिला। अभी तो यूएफएस नहीं मिला है लेकिन अब मिलेगा उसी के। अभी तो यूएफएस का बाकी है लेकिन आपको क्या लगता है अभी यूएफएस का क्लास स्टार्ट हुआ नहीं लेकिन जो अभी तक मिला तो यूएफएस में भी उतना इजी मिलेगा क्या? हाँ सही है सर, क्लास तो कहीं भी आदमी कर सकता है लेकिन मेन चीज बैकअप का होता है। देखिए दो चार दिन में क्लास तभी बताते हैं, सब फंक्शन बता देंगे सर सर सर, जिसको समझ में आया है, बाद में कोई बैकअप नहीं होता। मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास किया आपके साथ और फर्स्ट टाइम में अच्छा हमको भरोसा मिला था। तो जैसे कि सपोर्ट के मामले में आप बोल रहे हो कि वो दूसरे लोग सपोर्ट के मामले में कुछ काम नहीं करते, आपको सपोर्ट के मामले में क्या बोलना है? आपको सपोर्ट मेरा कैसा लगता है, कैसा है बोलना चाहते हैं आप? सपोर्ट अच्छा है और ग्रुप मेंबर भी अच्छे हैं और ग्रुप मेंबर भी सपोर्ट करते हैं। मतलब आपका मैच भी अच्छा है, सब दोस्त लोग आपके जो बने वो भी बहुत अच्छे बने, सब लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस भी है। पांचों उंगली बराबर नहीं है सर, किसी के पास कम नॉलेज किसी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज का घमंड भी नहीं होना चाहिए किसी के पास। मतलब जो है ठीक है धीरे धीरे सब लोग आगे। एक्सपीरियंस से मैंने ये आपका पहला बैच जो देखा है इसमें ना इतना दूसरे ग्रुप में इतना कोई डिस्कस नहीं करते, कोई भी काम के बारे में कोई डिस्कस नहीं करते, इतना नहीं करते, अपना अपना काम बताते, अपना अपना काम करते। हम जिसको डिस्कस करेंगे तो का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वही तो मुझे पहला बैच आपका ऐसा लगा कि आप लोग काम करने वाले बहुत मेहनती लोग है, कि आप लोग जो है ना हालांकि सॉफ्टवेयर की क्लास की है, हालांकि हमारे पास हार्डवेयर में नहीं है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में की है, आप लोगों का इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से लगा है। क्या है ना कि बहुत ग्रुप बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज होती है उसके साथ घमंड भी होता है, मैं अपनी चीज नहीं बताऊंगा दूसरे की चीज जान लूंगा, ये चीज इसके अंदर आ गई ना वो मतलब मेरा सर मेरा तो मानना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और यहाँ पर आपके पास एक यश बोलकर भी है जो आपको अगर मेरा टाइम पे रिप्लाई नहीं है तो आपको टीम वर्क पे भी आकर या आपको ऑनलाइन पे भी बात करते हैं, यश है ना, वो एक्सपीरियंस बंदा आपके साथ है। मतलब आपकी एक टीम बहुत अच्छी है, ग्रुप बहुत अच्छा है आपका, कि एक दूसरे को सपोर्ट करना और मुझे यही अच्छा लगता है। और जो ज्यादा नॉलेज जो कम नॉलेज सबका सपोर्ट अगर बराबर आज के डेट में मान लीजिए अभी किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है और आगे चल के अगर जो सभी लोग इक्वल हो जाए और उसके बाद जब कोई नॉलेज मिले सबको बराबर मिलेगा, ऐसा थोड़े है कि आज वो पर आप लोगों के ग्रुप में ज्यादा नॉलेज वाले भी बंदे तो ऐसा उन लोगों को मैंने देखा नहीं कि उनका जो घमंड होगा कि नहीं मुझे ज्यादा आता है तो मैं सपोर्ट करूं, उन लोगों को देखा भी कि उन लोग अच्छा सपोर्ट भी करते हैं, वो अच्छी बात है। आप लोगों का ऐसा यूनिटी अगर रहेगा ना तो फ्यूचर में एक साल का सपोर्ट है नहीं, आपको बहुत ज्यादा दिन सपोर्ट मिलेगा जब तक इस फील्ड में काम करेंगे ना तुम और हम, जब तक मैं आपको सपोर्ट देते रहूंगा, ऐसा सोचो बस, ऐसा सोचकर मेरे साथ। जी सर, एक साल का बोल के तो ज्वाइन हुए आप, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप जिस अब जब तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस फील्ड में रहेंगे मैं तुम्हारा साथ हम लोग लाइफ टाइम में, ठीक है सर, ठीक है जो टाइम ज्ञान है काम अगर करोगे तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वो एक्टिविटी के ग्रुप में दो चार महीने में एक बार बात कर रहे हैं, दो चार महीने में एक बार पोस्ट कर रहे हैं, ग्रुप में कोई है नहीं, वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे। मैं ऑटो वोट आता है, अगर दो महीने में अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे बात नहीं करेंगे तो ऑटो वोट से वो उठ जाता है, रिमूव हो जाता है ग्रुप से। इसके लिए बोल रहा हूँ आप अपना काम टाइम पे टाइम करो, सपोर्ट करो, एक दूसरे को बात करो, हेलो हाय हेलो तो कम से कम ग्रुप में स्टूडेंट से बात करो। जी जी, कोई भी काम जो है ना, कोई भी काम, हाँ, किसी बंदे के पास अगर जो बैकअप सपोर्ट है ना तो कोई भी काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर बैकग्राउंड जिसकी फैमिली पर रहती है वो बड़े आगे तक नहीं जा पाता है लेकिन तो कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट मिलता है तभी आगे जाता है। अगर जो देखो ग्रुप का ही सपोर्ट है, भाई है, छोटा भाई विपद पड़ेगा तो बड़ा भाई आ जाएगा, बड़ा भाई विपद पड़ेगा छोटा भाई जा जाएंगे, यही तो है ना। बस यही था आप लोगों से, यही थोड़ा सा डिस्कस था कि बस आपको मेरे क्लास से कितना बेनिफिट मिल रहा है। आप लोग 7,000 के अंदर कोर्स ज्वाइन किए तो गलती की है या सही की है वो आपसे बस इतना सुनना था। नहीं सर, इससे पहले ना सर गलती है ही नहीं है सर,
जो वहीं पे जाके करना है, ये तो क्या चक्कर बनते हो ऑनलाइन का। ये जो स्टडी है अपने अपने लाइफ टाइम की स्टडी है सर। लोग बहुत सारे जो सीखा है यूट्यूब पे जा जाके सीखने के लिए करते 50,000 करते, लेकिन उसके बाद भी उनका जो मैं देखता हूँ कि नॉलेज उतना ही रहता है जितना जाने से पहले था, पैसा खर्चा करने से पहले। तो 7,000 तो कोई बड़ी बात थी नहीं लोगों के लिए, किसी के लिए भी। लोग बोलते चलो यार एक बार यहाँ पर भी नुकसान करके देख लेंगे कि यहाँ पर भी नुकसान होता है या फायदा होता है, मतलब पहले ज्वाइन करने से पहले। लेकिन जब ज्वाइन हो जाते हैं सर क्या है ना, मैं बता रहा हूँ सर क्या है ना कि ये 7,000 जो है समझ लीजिए सपोर्ट में ही निकल जाएगा, ये क्लास तो फ्री होगी हम लोग। बिल्कुल सपोर्ट का भी अगर कोई लेता है ना पैसा तो 10-15,000 रुपए साल का लेता है। अभी कल चाहिए था उनको बोर्ड, मदर बोर्ड चाहिए था दो बंदे को, दोनों अरेंज हो गया इसी ग्रुप से। देखो एक दूसरे को सपोर्ट बोर्ड से भी मिल रहा है, बोर्ड एक दूसरे को दे रहे, काम दे रहे, सपोर्ट कर रहे, कुछ ना कुछ फाइल भी देते एक दूसरे को, है ना। तो अच्छी बात है, ये सब चीज होना चाहिए। चलो ठीक है जी सर, बस आज का डिस्कस अभी मैं आप लोगों से इतना ही था, बाकी अब सबसे एक एक करूंगा तो पूरी क्लास इसमें पूरा दिन इसमें चला जाएगा आपका क्लास में। चलो हम लोग अभी शुरू करते हैं, बाद में एक दिन वीडियो कॉलिंग में आ जाएंगे सर, ठीक है। आखिरी का दिन एक रखेंगे सिर्फ बातें करने के लिए। चलेगा चलेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छी। जी चलो एक आईसी यहाँ पर सामने देखो, ये आईसी आपको क्या दिख रही है? ये एक आईसी मैंने अभी कनेक्ट किया जस्ट, करप्ट दिख रही है। ये क्या कंडीशन में और इसको क्या समझेंगे हम, आईसी को अच्छी है खराब है, बना सकते नहीं बना सकते? अगर आप अच्छे से डिटेल पढ़ना, आपको मैंने सिखाया भी है आईसी की डिटेल, आप यहाँ देखो सीआईडी नंबर और सीएचडी नंबर तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सीआईडी नंबर अजीब नंबर से है, लेकिन एफएफक्यू सीरीज तो है नहीं, चलो इग्नोर करो उसको। मैन्युफैक्चर में कुछ भी नहीं, ब्लैंक है। नेम में देखो MMOR, ये कुछ अलग कोड आ गया जो कि कुछ काम का है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चर डेट भी नहीं है, कौन से डेट में बना है। EMMC ROM 1 128 MB बताने लग गया, स्टोरेज कितना बता रहा है 128 MB कोई स्टोरेज होता है क्या? नहीं सर, ऊपर से ये आईसी गर्म होने भी लगी है, पूरा गर्म हो गया आईसी, देखो शॉर्ट है ये जो रीडिंग है ये शॉर्ट है। ऐसे कंडीशन में आईसी को तुरंत बॉक्स से निकाल दे, नहीं तो आपका बॉक्स खराब कर देगा, ये याद रखिए, समझ में आ रही बात? आईसी गर्म हो रही है, इस तरह से रीडिंग आ रही है, ये कनेक्ट नहीं हो रही, तो एक बार बॉक्स में चेक करना उंगली लगा के कि बॉक्स में आईसी खराब गर्म तो नहीं हो रही हमारी, अब ये गर्म हो रही है तुरंत निकाल लो। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो 1.5 EXECHD बूट कॉन्फ़िगरेशन देखो 0 to 78 रॉन्ग है अभी, और लास्ट में MMC R अनयूजेबल मतलब खत्म, गेम ओवर है आईसी का, बहुत सारा फॉल्ट है सर, बहुत सारा फॉल्ट है इसमें, गेम ओवर हो चुका है आईसी का, ठीक है। हम दूसरा और लगा के देखेंगे, अभी एक तो आईसी आपके सामने दिखा इस तरह का एरर के साथ, किसी ने तो किया हुआ है इसको, नहीं नहीं किसी ने कुछ नहीं किया, वो पड़े पड़े एमएमसी शॉर्ट हो गई है फोन में, वो मैंने ही निकाला अभी जस्ट, आप लोगों को मैंने कल बोला था ना आज एमएमसी हेल्थ का चेक करेंगे, तो मैंने ये एमएमसी निकाला हुआ था, तो अभी जस्ट निकाला मैंने, किसी ने निकाला हुआ नहीं था पहले, वो शॉर्ट है और क्या है। अब यहां पर देखो एक आईसी मैंने SKNX कनेक्ट किया, इसका एक बार डिटेल देखो, यहां से सीआईडी नंबर सीएचडी नंबर ओके, ब्रांड SKNX ओके, प्रोडक्ट नेम नेम वो भी ओके, 1500 MB मतलब 15-16 GB का इसी 16 GB हाँ। उसके बाद RPM भी नॉट क्लिंग है, SKNX है उसका, 1.8 स्टोरेज है या अपना ये रिवीजन है इसका MMC का, बूट कॉन्फ़िगरेशन 38 कौन से सीपीयू का निकाला हुआ है आईसी? क्वालकॉम से निकाला हुआ आईसी है, 38 बोले तो क्वालकॉम। उसके बाद सॉफ्टवेयर पार्टीशन है यहाँ पर, मतलब एक मिनट ना, ठीक है, तो इसमें सॉफ्टवेयर पार्टीशन है सब कुछ है, लेकिन यहां पर देखो नीचे गेट फर्मवेयर वर्जन क्या बता रहा है,
नॉट फाउंड प्रोविजन नॉट फाउंड सर इनको नॉट फाउंड अब क्या समझेंगे बताओ इसका प्रॉब्लम है सर मगर 9 वर्जन से ऊपर है वेरी गुड ऐसा लग रहा है लिखा क्या आ रहा है कि फर्मवेयर इन्फो नॉट फाउंड मतलब सॉफ्टवेयर फाइल है ही नहीं ऐसा लग रहा है क्या है कि सॉफ्टवेयर फाइल ही नहीं है लेकिन एक्चुअली क्या है इसका फर्मवेयर इन्फो नॉट फाउंड का मतलब है क्योंकि एंड्रॉइड 9 के ऊपर वर्जन इसमें शो नहीं करता क्लियर हो गई जी सर थोड़ा मेरा मैं माइक बंद करता हूँ यहाँ पे थोड़ा जरा मेहमान आए हुए हैं हाँ हाँ आप माइक बंद करके रखिए कल ही सुनिए क्लास ठीक है तो अब ये फर्मवेयर इन्फो नॉट फाउंड आ रहा है इसका मतलब इसमें सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर सॉफ्टवेयर फाइल नहीं होता तो ये सॉफ्टवेयर पार्टीशन क्यों दिखाता अगर हम लोग समझते सॉफ्टवेयर फाइल ही नहीं है तो ये भी नहीं आना चाहिए ना इसका भी क्या बोलता पार्टीशन टेबल नॉट फाउंड ये आता ना लिखकर है ना लेकिन अगर आपको इसमें वर्जन देखना है कि कौन से मॉडल का है क्या है तो प्लस टू वर्जन यूज करना पड़ेगा कौन सा यूज करेंगे आप लोग खाली क्यों क्यों प्लस टू यूज करना है क्योंकि हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर वर्जन देखना है कि 10 के ऊपर है तो कौन से मॉडल से निकाला गया अब ऐसे में हमें पता चल रहा है कि कौन से मॉडल का निकाला गया क्वालकॉम तो पता चल गया सीपीयू तो पता चल गया क्वालकॉम से निकला है लेकिन कौन सा ब्रांड है एमआई का है वीवो का निकाला हुआ आईसी है हमें ये चीज नहीं पता चल रही चलो ठीक है वो हम देख लेंगे दूसरे वाले फिल्म में अच्छा ये एक चीज हाँ बोलो हेलो सर सर यूफाई कितने वर्जन तक सपोर्ट करता है यूफाई यूफाई में कितने वर्जन तक सपोर्ट करता है वो तो सब बताता है लेकिन कुछ मॉडल के नहीं दिखाता हालांकि एंड्रॉइड वर्जन तो सब बताएगा आपको 11 12 भी बता देगा ठीक है लेकिन कुछ मॉडल के 10 9 वर्जन भी नहीं दिखाते तो वो मॉडल वाइज होते हैं उसके यहाँ पर एंड्रॉइड वाइज है ठीक है ये टूल में सर हेलो हाँ बोलो अपूर्वा मेरा बहुत माने ज्यादा वाला क्वेश्चन है ठीक है सर जो एक फोन मेरे पास आज दो फोन आया आईएसपी करने के लिए हाँ। जो हम ईओ5 से ट्राई कर रहा हूँ डिटेक ही नहीं हो रहा है जीटेक से डिटेक कर रहा हूँ एक बार हो गया क्यों हो रहा है ये प्रॉब्लम सर डिटेक से हो रहा है और किसी नहीं हो रहा हाँ जंपर चेंज किए थे आपने हाँ चेंज करा सर जंपर कौन से लगाए थे CLK CMD डाटा जीरो और गाउन और USB से VCC क्यों दे दिए हाँ अब मॉडल कौन सा था ये मॉडल एक Realme 5 और एक K1 Oppo ये तो हो जाते हैं ना ऐसा तो कभी नहीं हुआ ये तो हो जाते हैं अच्छा रियलमी 5 बताता हूँ इसमें डाटा जीरो का भी रजिस्टर आता है ठीक है सीएलके और डाटा जीरो का रजिस्टर जीरो ओम्स का है और अक्सर ये खराब होते हैं दोनों भी और ये खराब रहेंगे आपका जंपर ऊपर लगाने से कनेक्ट नहीं होता हमेशा क्या करना है ये दोनों को रजिस्टर को हटाकर जंपर मारो काम करो काम होने के बाद फिर दोनों रजिस्टर शॉर्ट करके या रजिस्टर डालिए चेंज कर दो ना सर हम तो जेटेक से कर रहा हूँ एक सर एक बार हो गया यूफाई का जो आता है ना आईएसपी एडाप्टर वो थोड़ा गड़बड़ है गड़बड़ आपका हो सकता है फिर आईएसपी एडाप्टर में भी हो सकता है कंफर्म तो नहीं बोल सकते आप दो चार मॉडल में ट्राई करो और हमें इतना ना दो मेरे दो बंदा का हुआ ग्रुप में बोल रहा है ठीक है हमारा एक ग्रुप है हमारा इधर और ग्रुप में बोल रहा है यूफाई में कनेक्ट नहीं हो रहा है क्यों समस्या है सर नहीं ऐसा तो कोई किसी के साथ नहीं है आपके साथ अडप्टर में प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है एक बार फिर भी दो चार और अलग अलग मॉडल ट्राई करो आईएसपी अडप्टर मैं भी ट्राई करता हूं रियलमी 2 का हो गया A3S का हो गया एक बार में ये जो दो मॉडल में प्रॉब्लम हो रहा है क्यों प्रॉब्लम हो रहा है समझ नहीं आ रहा है अब वो आपके पास कुछ पता नहीं है वो तो आगे बैठकर देखना होगा क्या रीजन है बेस्ट तरीका वही है आईसी निकाल के काम करो मेरे हिसाब से तो वही अच्छा है ठीक है काम करेगा अच्छा देखो ये हेल्थ देखो ये आईसी का हेल्थ चेक कर रहा हूँ एसके अनिक से
एमएलसी 30-40 चला गया, एसएलसी 0-10, क्योंकि एसके हाइनेक्स में सबसे पहले एमएलसी चलती है, एसएलसी को यूज नहीं लेता वो। एसएलसी यूज में कब आएगी यूज में, जब आप एक बार हेल्थ रिपेयर कर देंगे तो दूसरी बार वो एसएलसी पे जाएगा, एमएलसी बंद हो जाएगा। पहली बार कब चलती है, एमएलसी में चलेगी, ठीक है। तो एमएलसी का हेल्थ देखो 30-40 है, फिर भी एक तरीके से हम इसको बैड हेल्थ भी बोल सकते हैं, क्योंकि एसके हाइनेक्स का भरोसा नहीं है कि वो 50 के ऊपर भी जाने से पहले पहले भी 20-30 पे भी खराब हो जाती है हेल्थ। तो एसके हाइनेक्स का बीमारी अलग होता है, ऐसा दिखा तो आप एक बार रिपेयर कर लो, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अब कल मैंने आप लोगों को पूछा था कि आपको जेट लैग में कैसे पता चलेगा कि हेल्थ रिपेयर हुआ या नहीं हुआ एमएमसी का। कल आप लोग बोल रहे थे ईएमएमसी इनिट कंप्लीटेड बोल रहे थे, नहीं वो पार्टीशन सेटिंग आता है ना, वो 0 × 0 1 होता है, तो आपका डाउट क्लियर करना था, क्योंकि ये आप बोले कंप्लीटेड लिखकर आ रहा है, इसका मतलब हेल्थ रिपेयर हुआ नहीं, ये ऐसे कभी भी आएगा ये आएगा, ये हमेशा आता है इससे ऊपर, ऊपर देखना होगा यहाँ पर, ये पार्टीशन सेटिंग सेटिंग कंप्लीटेड 0 × 0 1 हो गया, कंप्लीट नहीं है, नहीं हुआ अभी, दूसरा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है सर। तो पार्टीशन करके देख लीजिए, पार्टीशन इज कंप्लीटेड लिख देगा, लेकिन अब जिसके पास जेटैक है वो जेटैक पे किस तरह से काम करेगा उसके लिए ये नॉलेज है। अब अगर वो यूएफआई है तो यूएफआई में तो लिखकर आता ही है कंप्लीटेड, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर सभी को। अभी इसका हेल्थ रिपेयर हम कर सकते हैं एक बार, चलो रिपेयर करेंगे। उससे पहले मैं ईएमएमसी टूल जो है सेकेंड वाला उसको चलाता हूँ, ठीक है, उसके अंदर हेल्थ हम वर्जन देखेंगे सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, फिर हम हेल्थ रिपेयर करेंगे। सर ये दोनों तो हो जाएगा ना, हाँ तीनों से हो जाएगा, हेल्थ रिपेयर का प्रोसेस तीनों से होता है, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि प्लस वाला एमएमसी के लिए यूज किया करो, हेल्थ या डम फाइल जो भी है आप उसके लिए बेस्ट है। अब यहां पर देखो ये प्लस टू, मेरे पास जो वर्जन है ये 2.0.2.0, ये एक टेस्टर वर्जन है, और ऑफिशियली जो होता है वो 2.1.0 होता है जो आप लोगों के पास होता है। इसमें थोड़ा सा बेनिफिट है मेरे पास, ये मैं टूल आप लोगों को दूंगा, लेकिन और वेट करिए, किसी सबको मैं दे दूंगा, वेट करिए कैसे करना है, जब बॉक्स किसी के पास होगा और अच्छा काम कर रहा है ग्रुप में तो इनको मैं टूल ये दे दूंगा फ्री में। ये मेरे पास है, हाँ वो इसमें से पेड वेबसाइट पे मिला होगा आपको, मेरे पास भी है, पेड वेबसाइट पे मिला होगा ना, पेड वाले पे, नहीं नहीं सर बॉक्स है, टूल नहीं है, बॉक्स है टूल नहीं है, बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टूल वर्जन की बात कर रहा हूँ, ये 2.0 नहीं नहीं टूल वर्जन नहीं 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 नहीं, आप लोगों के पास ये वर्जन है, देखो ये दिख रहा है, ये वाला वर्जन आपके पास रहेगा 2.0.1.0, ये टूल वर्जन ऑफिशियली यही आता है, और ये जो है ना ये बेटा वर्जन है, बेटा वर्जन, तो ये बेटा वर्जन है किसी के पास आपके पास, हाँ है मेरे पास है, पर ये वर्क नहीं करता है, नहीं नहीं करता है, करता है इसका, मेरे पास ये ओरिजिनल वाला है, मार्केट में शायद ये फ्री वाले में जगह पर मिल रहा है ना, तो थोड़ा सा बेकार मिल रहा है ये मेरे पास जो है, मैंने सर हलपटेक पे से लिया था, वो हलपटेक का काम नहीं करता, बेकार है वो, यूएसबी से काम करने का प्रोसेस अच्छा दिया, क्वालकॉम में यूएसबी से भी एसपीडी को काम करने का प्रोसेस दिया, बहुत कुछ दिया है, तो मैं सोचा उसको यार 15-12 हजार रुपए क्यों खर्चा करूं बेकार का, यार ये तो काम कर ही सकते हम लोग, है ना, हमारे पास तो 1660 है वर्जन, वो तो दो आता है, वो ये 1.1660 और ये 2.1, ठीक है, इससे हो जाएगा, हाँ मैं ये आप लोगों को दूंगा, टेस्टेड वर्जन है ये आपको मैं दे दूंगा, टेंशन मत, इससे वो वन प्लस का हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, मैंने 1+7 Pro तक किया है, इससे मैं बोल रहा हूँ ना, 8 का नहीं मालूम, 7 Pro तक किया है,
सारे मॉडल नॉट C2 C2 Lite C3। चलो देख, तो ये अगर ये लिंक खत्म हो जाएगी तो फिर से जुड़ जाना आप लोग। देखो सॉफ्टवेयर वर्जन आया इसमें, फर्मवेयर इन्फो, Xiaomi Redmi 5A Riva, ठीक है।